तो पिछले कई दिनों से आप महंगाई बढ़ने की खबर सुन रहे हैं, लेकिन दो तीन दिनों से महंगाई घटने की खबर सामने आ रही है। और आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है, केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल 2.80 रुपए और डीजल 1.44 रुपए सस्ता हो गया है। लगातार दो दिनों में दो बार कम हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई से त्रस्त आम जनता को बड़ी राहत मिली है। टैक्स घटने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में महाराष्ट्र में भारी कमी हुई है। महाराष्ट्र में अब कुल मिलाकर पेट्रोल 11.58 रुपए और डीजल 8.44 रुपए तक सस्ता हो गया है। पेट्रोल के ऊपर टैक्स घटाने से महाराष्ट्र सरकार को 80 करोड़ रुपए और डीजल के ऊपर टैक्स कम करने से महाराष्ट्र सरकार को 125 करोड़ रुपए का हर महीने नुकसान होगा। वहीं राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से सालाना कमाई में 2500 करोड़ रुपए की कमी आएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर दिए हैं, और जिसके कारण महंगाई से त्रस्त आम जनता को बड़ी राहत मिली है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।